गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। टेंशन की वजह से नहीं आई, लोग जज का टेंशन दे देते हैं, कुछ एक्सटर्नली हरामी होता है इसलिए टेंशन दे देते हैं। मुझे चरतरपा टेंशन दे रहे हैं सर, जिसके वजह से नींद पूरी हुई नहीं है और सुबह से इतना ज़्यादा सर फरा क्या ही बोलूँ मैं। और मुझे लगा कि मेरा तबीयत भी ख़राब होने वाला है, हो सकता है सर्दी जुकाम जैसा फील हो रहा है, होता है नहीं, देखना पड़ेगा। नींद पूरा नहीं हुआ है ना, तो अभी निकलना है, 8 भी नहीं बचा, निकलना है। और कसम से ज़रा सा भी इच्छा नहीं कर रहा कि घर से क्या रूम से भी एक कदम बाहर रख, तो देखते हैं। एनर्जी ड्रिंक से सही है या नहीं, अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो झेलना पड़ेगा। आखिर कब तक दवाई खा खा के सर दर्द दूर करोगे, फिर आदत हो जाता टेंशन को। तो चलो मिलते हैं फिर आगे, बाय। ये देखो ये ट्रेन जा रही है नई नवेली बन के, ना इसमें भी दरवाजे हैं ना खिड़कियाँ, ये सारे दरवाजे खिड़की बनने के लिए जा रहे। और ये पूरी तरीके से खाली भूतों से भरा ट्रेन, धूप हवा है, धूप है, देखने में बादल बहुत सुहाने लग रहे हैं, ये पेड़ पे हरियाली, बरसात के बाद का हरियाली, अच्छे तो लग रहे हैं देखने में, लेकिन समझ सकते हो कि गर्मी भी लग रहा होगा, लेकिन व्यू फोटोग्राफी के लिए बहुत मस्त है, नेचुरल फोटोग्राफी के लिए। यहाँ से अगर हम लोग फोटोग्राफी करें कितना मस्त व्यू आ रहा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। खैर मैं चला घर, लगभग 1:30 बज चुका है। पंछी उड़ने वाली है बहुत दूर, कभी बादल को ध्यान से देखा है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। अभी सामने की स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जैसे लग रहा है कि बम ब्लास्ट हुआ है, एटम बम किसी ने फोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इसके बाद वाले पे, जस्ट ये वाले पे, हाँ जस्ट ये। काफ़ी दिनों के बाद इतना कड़ा धूप, 5 बजे और हम आ चुके हैं शहर के शोर शराबे से दूर एक रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है पिकनिक गार्डन। और ये शाम में हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, बीच का कोई फुटेज नहीं, क्योंकि हम एंजॉय करने में बिजी थे।